हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका आविष्कारी अभी, और सामने लगी है टाटा की नेक्सॉन। बिल्कुल, आज हम नेक्सॉन की इस वेरिएंट को जो है रिव्यू करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं, ये वेरिएंट है प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन में, यानी ये सेकंड टॉप वेरियंट है। जिससे बेस वेरियंट आती है वो स्मार्ट आती है, स्मार्ट के ऊपर भी एक दो है जो उसका सब वेरियंट है, लाइक स्मार्ट प्लस, स्मार्ट एस, स्मार्ट ऑप्शनल, इस तरह करके जो है दो तीन आते हैं। उसके बाद प्योर ऑप्शन ये आता है जो कि एक सेकंड बेस वेरिएंट है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर भी मिल जाते हैं जिनका बजट अगर जो है 11 लाख के आसपास अगर है ऑन रोड प्राइस में, तो लगभग 11 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड आती है। एक्स शोरूम की अगर मैं बात करूँ तो 9.80 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड आते आते 11.33 लाख हो जाती है छत्तीसगढ़ कोरबा में। अगर आप छत्तीसगढ़ कोरबा से ये वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीलर का नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो उस पर कॉल करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर टेस्ट ड्राइव स्लॉट भी बुक कर सकते हो। और एक टेस्ट ड्राइव जब तक आप नहीं करते हो, तब तक आपको इंजन का और उसके पावर का और उसके अंदर क्या क्या आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जब तक रूबरू आप नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अब मैं बात करूं, मैंने आपको बताया इसका वेरिएंट है प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन में है, पेट्रोल में ये वेरिएंट है। ऑन रोड आते आते 11.33 लाख हो जाती है, और एक्स शोरूम 9.80 लाख है। इसमें आपको इंजन प्रोफाइल 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करती है, जो कि 3 सिलेंडर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में है। पावर आपको 120 PS की जनरेट करती है, और 170 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। लेंथ अगर बात करें ना, तो लेंथ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, लाइक लेंथ आपको 4 मीटर के आसपास है, 3.99, 4 मीटर से ज़रा सा कम है। और उसके अलावा विड्थ 1.80 और हाइट जो है 1.66। उसके अलावा व्हील बेस आपको 2.49 मीटर की इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है एक सब कॉम्पैक्ट SUV के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 208 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लाइक फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें ना, तो फ्यूल टैंक इसमें 44 लीटर का, और बूट जो है काफ़ी बड़ा सा आपको इस छोटे से व्हीकल कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट SUV में आपको 382 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सेफ्टी की फीचर की अगर बात करें, तो सेफ्टी के लिए ही अपनी टाटा व्हीकल जो है जानी जाती है, जो कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए। तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ABS विद EVD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे जो है फीचर आपको इस वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आई थिंक तो इसमें नहीं मिलने वाला है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगा जहाँ तक मुझको पता है। उसके अलावा इसमें 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और 1 लाख किलोमीटर तक के लिए 1 लाख किलोमीटर तक के लिए। और उसके अलावा एक्सटेंड अगर आप कराते हो ना, तो आपको 5 साल के लिए हो जाएगा वारंटी, और 1.5 लाख किलोमीटर के लिए। तो डिज़ाइन प्रोफाइल से बात करने से पहले आपको मैं दिखा दूँ, इसमें आपको जो है एडिशनल क्या मिल जाता है। ये आपको रिमोट सेंसर मिल जाता है विथ फ्लिप की, और एक मैनुअल की मिल जाता है इस तरह के टाटा के लोगों के साथ में। ये आपको नॉर्मल सी की मिलती है इसमें, ठीक है, फ्लिप की के साथ, जो कि इसमें सारा आपका रिमोट सेंसर इसमें लगा हुआ है। इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैम्प, सॉरी कनेक्टेड DRL इसमें नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा DRL मिलता है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इसके टर्न इंडिकेटर में। यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्टर बेस आपको हेडलैम्प इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि इसका थ्रो काफ़ी नाइट में अच्छा है। प्रोजेक्टर बेस है तो आपको अच्छा खासा इसमें थ्रो मिलता है, और विजिबिलिटी तो काफ़ी लाजवाब रहने वाली है। इसमें आपको जो है फॉग लैंप, इसमें आपको डुअल बैरल जो फॉग लैंप आती है वो आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको टायर वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोइंग हुक की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है, और ये रहा इसका अपर जो है कुछ इस तरीके का इसमें नहीं है, लेकिन इसका मिडिल में और इसके लोअर ग्रिल जो है ओपन है, काफ़ी वाइड अमाउंट में ओपन है। इसकी वजह से यहाँ से आपको हॉर्न दिख रहा है, सिंगल चैनल हॉर्न लगा हुआ है इसमें। बाहर आप जाके इसमें भोपू वाले जो भी चोंगा वाले जो है वो आप लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाटा की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, बीच में आपको लोगो मिलेगा टाटा की। उसके अलावा ये कलर जो है कैमियो ग्रे बोलते हैं, ग्रे कलर है, जो कि आपको लेम्बोर्गिनी वगैरह में देखने को मिलती है, लेकिन इससे हल्का सी डिफरेंट होती है वो ग्रे। लेकिन टाटा भी जो है थोड़े लग्जीरियस जो है कलर जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। इनफैक्ट ये ग्रीन कलर तो काफ़ी अपने आप में ही किलर लुक ये प्रोवाइड करती है भाई। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ साइड प्रोफाइल से, तो इसमें आपको रिम मिलता है, कितने इंचेस के हैं वो एक बार मैं देख लेता हूँ। आई थिंक सो 16 इंचेस के होने चाहिए, बिल्कुल 16 इंचेस के ही है रिम मिलते हैं। लेकिन उसके ऊपर आपको जो है व्हील कवर जो है टाटा कंपनी की लगी हुई आएगी, टाटा के यहाँ पे ब्रांड भी की गई है।
उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है और ग्लॉसी ब्लैक में आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिलता है ORVM के ऊपर। ORVM आपका जो कंप्लीट जो है ब्लैक में है, ग्रे और यहाँ पे ब्लैक में आपको जो कि पियानो ब्लैक फिनिश बोल सकते हैं। इसका डोर हैंडल काफ़ी सिंपल सा है, इसमें आपको किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है और बॉडी कलर तो बिल्कुल ही नहीं है। आप यहाँ पे की प्लेसिंग आप यहाँ लगा सकते हो इस जगह पे, लॉक अनलॉक के लिए मैनुअली कर सकते हो या फिर रिमोट सेंसर तो है ही, बिल्कुल यहाँ पे आपको बॉडी कलर नहीं मिलता है। यहाँ आप मैंने आपको दिखा दिया टर्न इंडिकेटर के साथ में है, इनफैक्ट इसमें आपको रूफ रेल भी देखने को मिलेगा जो कि सिल्वर कलर की रूफ रेल है और विंडो एरिया जो है कम्प्लीट जो है ब्लैक कलर में है। उसके अलावा यहाँ भी आपको वही सेम टू सेम पीछे आपको जो है डिस्क है कि ड्रम है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ये सही है। उसके अलावा अगर देखें पीछे, पीछे का व्यू काफ़ी सही है। इसको अगर प्रेस करते हैं तो आपको इसमें कनेक्टेड जो है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा टेल लैम्प, लेकिन यहाँ पे आपको LED में देखने को मिल जा रहा है, कंप्लीट इसका टेल लैम्प देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ये कनेक्टेड होना चाहिए आई थिंक सो। यहाँ पे आपका ब्रेक लैंप आपका दिया हुआ है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर पीछे, नेक्सॉन की ब्रांडिंग यहाँ पे टाटा का लोगो दिया हुआ है। इसमें आपको ना वाइपर मिलता है ना डिफॉगर मिलता है, ना ही एक सेकेंड वाइपर मिलता होगा, नहीं इसमें आपको वाइपर नहीं दिया गया है ना ही डिफॉगर इसमें दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो है स्पॉइलर काफ़ी शार्प है, पीछे से देख सकते हो इसका एज काफ़ी शार्प हो जाता है। यहाँ पे शार्प फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है इसके वेरिएंट में। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो है रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप यहाँ पे है, इसको कर देते हैं ऑफ, ओके। यहाँ आपको दो पार्किंग सेंसर, नेक्सॉन की ब्रांडिंग, यहाँ बूट करते हैं इसका ओपन। बूट ओपन करने के बाद आपको 382 लीटर का इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है। एक ये देखो यहाँ पे पावर सॉकेट भी दे दिया है, लाइक जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह आप जो है जो कंफर्टेबल जो व्हीकल के लिए जो वैक्यूम क्लीनर आता है 12 वोल्ट में, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो लाइक क्लीनिंग के लिए अपने व्हीकल को। उसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रॉसरी हुक इसमें आपको मिलता है और सारे 10 3 kg के आपको कैपेसिटी के साथ में मिलता है। बूट लैंप इसमें नहीं मिलता है, एक चीज़ की मिसिंग है, बूट लैंप इसमें आपको नहीं मिलता है, खैर कोई नहीं। उसके अलावा इसके स्टेपनी व्हील को अगर देखें तो ये आपको जो है 16 इंचेस के ही जो है आपको स्टेपनी व्हील मिल जाती है, लाइक रिम में मिलता है, बाकी सब तो रिम में ही है। उसके अलावा इसमें पार्शल ट्रे आपको नहीं मिलेगा, बेस वेरिएंट है लेकिन इसमें कंपनी बहुत सारी चीज़ दे दे रही है, वो आपको अंदर मैं चल के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मिसिंग आपका पार्शल ट्रे हो गया। बूट लैम्प ये आपको इसमें नहीं मिलता है, बट फिर भी जो है ये वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है, अगर जिनका बजट जो है 11 के अंदर है ना तो उनके लिए सबसे बेस्ट वेरियंट है। पीछे अगर देखें यहाँ रिवर्स कैमरा, तो मुझको रिवर्स कैमरा यहाँ तो नहीं दिख रहा है, रिवर्स कैमरा इसमें आपको जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा चलते हैं इसके पायलट साइड, पायलट साइड आपको डोर काफ़ी वाइडली ओपन हो गया और 90 डिग्री में ओपन हुआ, नहीं 90 डिग्री में तो नहीं बट उतना ही ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक लाइट दिया है, रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, रात के टाइम पे ये ग्लो करेगा जिससे जो है डोर ओपन होने के बाद पीछे से आने वाली व्हीकल को जो है पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी ने डोर ओपन अपना करा है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, ग्रैब के लिए मिलता है, विंडोज़ के कंट्रोल, डोर ओपन के लिए यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे बॉटल होल्डर की बॉटल वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे बॉटल रख सकते हो, यहाँ छोटा बॉटल रख सकते हो और मैगजीन वगैरह आप रख सकते हो। स्पीकर की प्लेसिंग है कंप्लीट जो है 6 8 स्पीकर इसमें जो है मेंशन किए गए हैं। फैब्रिक अपॉलस्ट्री सीट है, इसका लंब सपोर्ट काफ़ी सही है, चौड़ा है भाई, ओके। एयरबैग की यहाँ ब्रांडिंग की गई है, कंप्लीट 6 एयरबैग इसके वेरिएंट के में आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है 6 एयरबैग। हाइट एडजस्टेबल आई थिंक इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं है, ओके, हाइट एडजस्टेबल की फंक्शन इसमें नहीं दी गई है। ORVM के कंट्रोल यहाँ पे हैं, आप यहाँ से इसको फोल्ड अनफोल्ड जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो काफ़ी ईजीली। अब चलते हैं इसके अंदर बैठेंगे, अंदर बैठने से पहले इसके की प्लेसिंग यहाँ है, इसको लगा के ऑन कर लेते हैं, ओके, और करते हैं डोर को बंद। तो भाई अंदर आने के बाद आपको यही वाला सिचुएशन आपको मिलने वाला है, यहाँ पे 7 इंचेस का आपको वही पुराना वाला जो आता था 7 इंचेस का डिस्प्ले जो कि इसके बेस वेरिएंट में दिया है, और टॉप एंड में आप जाओगे तो 10.25 तो डेफिनेटली श्योर मिलने वाला है। ये काफ़ी सही चीज़ है, बेस वेरियंट में आपको सेकेंड बेस वेरियंट में 11 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड है, क्या 11.33 लाख, उसमें आपको ये सारे फंक्शन जो है मिल जा रहे हैं। बहुत सारे में तो साला कुछ मिलता ही नहीं है भाई,
यहाँ पे आपको छोटा सा TFT जो दिख रहा है, इसमें बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेंगे, सिटी ड्राइव मोड या जो भी ड्राइव मोड है, इकोनॉमी ड्राइव मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिव, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड ये सारा कुछ आपको इसमें मिलने एक्टिवेटेड। वाला है। ये आपको बीच में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल, ऊपर टेम्परेचर, नीचे फ्यूल, यहाँ पे RPM मीटर है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस इन्फॉर्मेशन इसके आपको MIDs में, छोटे वाले MIDs में आपको मिल जाएंगे, और उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो सारा ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, उसके बाद क्या है, इल्यूमिनेशन, जैसे कि इसके जो है आप देखो ये ब्राइटनेस आप जो है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो आप जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ, कम हो जा रहा है, इंफोटेनमेंट को आप ध्यान से देखो तो कम होता और ज़्यादा होता आपको दिखाई देगा। ये देख लो जैसे बढ़ा रहा हूँ बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा और क्या है, यही दो ही चीज़ है। अच्छा और कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आपको मिलता। ओके, यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी इजीली। यहाँ पे आपको सारा एल्यूमिनेशन के साथ मिलता है, टच में आपको मिलता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से इसके फ़ैन को, फ़ैन के स्पीड को, टेम्परेचर को, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे, और USB A टाइप और USB सिर्फ ए ही टाइप दिया है। ये क्या, अच्छा ये 3.5 mm जैक के लिए, लेकिन यहाँ है नहीं, मतलब वो बस ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ, लेकिन होना चाहिए था, सी टाइप होना चाहिए था, जो कि मुझको मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, एक दे देता तो ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा यहाँ पे 3 ड्राइव मोड मैंने आपको दिखाई दिया, आपने देख ही लिया है। यहाँ पे उसके बाद जो है ब्रेक, हैंड ब्रेक की आपकी प्लेसिंग है, 2 बॉटल होल्डर, यहाँ एक और बॉटल होल्डर आप रख सकते हो, कप होल्डर, या सही है, स्पेस आपको बहुत सारा इसमें मिलने वाला है। उसके अलावा इसे करते हैं ओपन, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको फ़ोन रख सकते हो, ये है टाइगर, ये 2 कप होल्डर, स्पेस मैनेजमेंट तो भाई टाटा से कोई सीखे, मैं तो यही कहूँगा। ये आपको कूल ग्लव बॉक्स सिर्फ नहीं है, लेकिन ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा सा आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर, सॉरी टिकट होल्डर मिलता है सनवाइजर में, यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये आपको वाह वेरी गुड भाई, LED में भाई दे दिया, क्या बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये आपका IRVM जो कि है मैनुअली। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील जो है फ्लैट बॉटम मिलता है, 4 स्पोक नहीं, ये 2 स्पोक व्हील में आपको मिलता है ये, और ये सफारी और हैरियर रहता तो यहाँ पे निकल जाता, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील के साथ में। हेडलैम्प आपको ऑटोमेटिक इसमें दे दिए हैं, वाह ये आप देख लो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें आपको मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी सही है, ये तो मैंने नहीं सोचा था भाई। यहाँ ऑटोमेटिक रेन वाइपर आपको मिल जा रहा है, बेस वेरिएंट में आपको ये सब चीज़ जो है और किसी व्हीकल में देखने को जल्दी नहीं मिलेगी, और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई। उसके अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं, तो चलते हैं इसके पीछे, और स्टेयरिंग व्हील इसके टिल्ट एंड, टिल्ट ही होगी, टेलीस्कोपिक नहीं होगी, ये तो मैं कंफर्म हूँ, टिल्ट है सिर्फ, टेलीस्कोपिक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं इसके पीछे, पीछे चल के देखेंगे किस तरीके का इसमें सिटिंग कंफर्ट मिलने वाला है। जैसे आगे का था वैसे ही आपको पीछे का डोर भी मिलने वाला है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, फ्रंट के जैसा ही है। यहाँ पे आपको ग्रैब के लिए, विंडोज़ के कंट्रोल, ये डोर ओपन के लिए, लॉक अनलॉक, ये आपको यहाँ भी अलग से ग्रैब के लिए दिया हुआ है, बॉटल होल्डर की प्लेसिंग है, थोड़ा बहुत मैगजीन वगैरह आप इसमें रख सकते हो, स्पीकर की प्लेसिंग वहाँ पर दी गई है। उसके अलावा यहाँ अगर आप सीट देखोगे, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, और थाई सपोर्ट काफ़ी बड़ा सा आपको मिलने वाला है, 80-90% जो है थाई सपोर्ट जो है मेरा कवर कर चुका है, थाई को मेरे मेरे जो है कवर कर चुका है लगभग 90%। नेक्सॉन के ये पीछे वाले सीट में ये एक फ़ायदा है, यहाँ अगर आप देखोगे ना तो 2 AC वेंट भी दे दिया है, और पीछे कोई पावर आउटलेट जो है पीछे नहीं दिया है, ये एक मिसिंग है। उसके अलावा ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में, और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक, और यहाँ भी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और ये है ग्रॉसरी हुक, ग्रॉसरी हुक के साथ में। बस यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आर्म रेस्ट इसमें एक मिल जाता तो फुलफिल हो जाना था, और ये हेड रेस्ट चारों के चारों जो है एडजस्टेबल है। तो भाई ये था कंप्लीट रिव्यू, जिसमें आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया। ये है प्योर वेरिएंट है, सेकंड टॉप, सेकंड बेस वेरिएंट है सॉरी, जो कि ऑन रोड आते जाते 11.33 लाख जो है छत्तीसगढ़ कोरबा में होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके कोई फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हो। अगर कोई प्लान कर रहा है नेक्सॉन परचेज करने की, बजट उसका जो यही 11-12 के आसपास है,
ये वेरिएंट आप लेके, और अगर कुछ एक्सेसरीज अगर लगाना चाहो वो भी आप जो है लगवा सकते हो। अगर कुछ ऐसे मिसिंग अगर आपको लगे ये चीज़ होना चाहिए, या क्रोम वगैरह आप लगवा सकते हो जो कि आपका काम अच्छा हो जाएगा। जो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो आपको फील जो है ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।